छात्राओं के द्वारा आदरणीय उपप्राचार्य कौशिक सर जी को बैच लगाकर स्वागत। आदरणीय पुजारा मैडम जी का स्वागत। आज हमारे बीच आदरणीय पुजारा मैडम जी उपस्थित हुई हैं, जो कि बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ हमें देंगी हमारे आहार और पोषण से संबंधित। इसके लिए मैं आदरणीय पुजारा मैडम जी को उद्बोधन हेतु आमंत्रित करती हूँ। पोषण के बारे में चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं पोषण का हमारे दैनिक और बाकी सभी चीज़ों के लिए पोषण का क्या इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी सितंबर मंथ को 1 से 7 सितंबर पहले पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता था, बट अभी हमारे पीएम ने इसी साल पूरे सितंबर मंथ को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और इसी के तहत बहुत सारी एक्टिविटीज़ करके लोगों में अवेयरनेस यानी कि जागरूकता क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि आप कैसे सही खान पान से अपनी सेहत और उसके साथ अपने देश में सुधार लाने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि पोषण क्या है। आप लोगों को भी पता है कि पोषण क्या है, एक बेसिक सबको नॉलेज होता है कि पोषण का मतलब होता है सही खान पान संतुलित आहार, बट इसके अलावा हम लोगों को उसमें और भी माइन्यूटली कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत है। जैसे कि पोषण में हम लोग संतुलित आहार की बात करते हैं तो क्या सिर्फ संतुलित आहार ही हमारे लिए काफ़ी है? क्या हम सिर्फ एक अच्छा खाना लेकर ही स्वस्थ रह सकते हैं, तंदुरुस्त रह सकते हैं? ऐसा नहीं है, हमको संतुलित आहार के साथ अपनी दिनचर्या में भी काफ़ी सारे चेंजेस करने होते हैं। हमको संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या, फिजिकल एक्टिविटी जो हमें रेगुलर बेसिस पे करनी है, तो इन सबको मिला के हमारी लाइफस्टाइल हेल्दी होती है। और एक हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब होता है स्वस्थ तन स्वस्थ मन। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तभी आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ रह पाएंगे। आपने भी ये चीज़ फील की होगी कि कभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कभी आपको सर दर्द कर रहा है, कभी बुखार लग रहा है, कभी कमज़ोरी लग रही है, तो उसका सीधा सीधा असर आपकी पढ़ाई आपकी दिनचर्या पे भी आता है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम स्वस्थ तन और स्वस्थ मन दोनों के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करें और इसके लिए इम्पॉर्टेंट है हमें अपनी दिनचर्या को पूरी तरह से संतुलित बनाना होगा। जैसे कि आप लोग स्कूल आते हैं तो स्कूल टाइमिंग्स आपके क्या हैं? सुबह आ जाते हैं, सुबह कितने बच्चे कुछ खाकर घर से निकलते हैं? हाथ उठा दीजिए, चलेगा। धीरे धीरे इतना सोच कर क्यों हाथ उठाए? मतलब कभी कभी कोई खाता है, कभी कभी कोई नहीं खाता, वो स्थिति है। मतलब आधे बच्चे भी घर से कुछ खाकर नहीं आ रहे हैं, तो ये टोटली गलत है। हमारी दिन की शुरुआत अगर सही नहीं है तो हम पूरा दिन कैसे हेल्दी वे में स्पेंड कर पाएंगे? तो
सबसे ज़रूरी बात है हमको अपने दिन की शुरुआत सही रखनी है। और दिन की शुरुआत आप कैसे सही रख सकते हैं? कुछ भी हेल्दी चीज़ घर से लेकर निकलना है, या तो आप एक कप एक गिलास जितना भी दूध लेना चाहो आप एक दूध ज़रूर लेके निकलो। दूध नहीं ले रहे हैं तो सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं, आप सीजनल फ्रूट्स से कुछ भी ले लो। ये ज़रूरी नहीं है कि हमको बहुत महंगे महंगे फल लेंगे तभी हमारी सेहत अच्छी होगी। अगर पपीता अवेलेबल है पपीता खा लो, एप्पल अवेलेबल है आप एक एप्पल खा लो, नाशपाती खजूर जो भी चीज़ आपके आसपास अवेलेबल है जो बहुत ही मिनिमम रेंज में होती है और हमारे घर में मोस्टली होती है, कुछ नहीं तो गुड़ चना या गुड़ फलनी तो सबके घर में होती है ना, और बच्चों को पसंद भी बहुत है। तो अगर हम वो भी लेकर निकलते हैं तो हमारी प्रोटीन एनर्जी और कार्बोहाइड्रेट की नीड सुबह सुबह हमारी बॉडी की कंप्लीट हो जाती है। और वही चीज़ अगर हम खाली पेट आते हैं तो अब देखोगे थोड़ी देर बाद महसूस करोगे कि आपको सर में हल्का हल्का दर्द या भारीपन लगता है। अगर आप बहुत देर भूखे रह जाते हो तो सबसे पहला सिम्टम है हमारे सर में थोड़ा थोड़ा दर्द शुरू हो जाता है और कमज़ोरी सी लगने लगती है। कई बार आप लोगों ने महसूस किया होगा कि यहाँ अगर फिज़िकल एक्टिविटी वाला कोई पीरियड है और आप सुबह से खा के नहीं निकले हो तो ग्राउंड में आके कई बच्चे चक्कर खा के गिरते हैं। तो वो क्यों गिरते हैं? वो इसी वजह से, क्योंकि हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी है जो हमारे शरीर में एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो स्टार्टिंग आपको सही करनी है। उसके बाद दूसरी बात आती है आपके टिफ़िन की, कि आप टिफ़िन में कितना हेल्दी फूड लेकर आते हैं। टिफ़िन में हेल्दी फूड का मतलब हमको बहुत ज़्यादा भारी भरकम चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हम अगर सिर्फ रोटी और सब्ज़ी लेकर भी आ रहे हैं तो भी हमारे लिए सफिशिएंट है, बट सब्ज़ी में एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए कि डेली आप आलू की सब्ज़ी लेकर नहीं आओगे। हरी सीजनल सब्जियां जो भी अवेलेबल है, आप रोटी या पराठा जो प्रेफर करते हो आप उसके साथ हरी सीजनल सब्जियां ज़रूर लेके आओ। और अगर हो सके जब सीज़न में सलाद मिलता है जैसे कि गाजर है बीट रूट है तो वो चीज़ें भी आप अपने टिफ़िन में साथ में कैरी कर सकते हो। टमाटर प्याज तो स्मेल आके ख़राब हो जाता है, ज़्यादा देर नहीं रहता, इसलिए उस सलाद को हम टिफ़िन में कैरी नहीं कर सकते। बट जो सूखी चीज़ें हैं जैसे आंवला है, आंवले की सुपारी आप अपने साथ पॉकेट में रख सकते हो, जब भी प्यास लगे आप थोड़ा सा उसको मुंह में रख लो तो विटामिन सी आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में मिल जाएगा जो आपके लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान रखते हैं तो उससे आपकी सेहत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तीसरी इम्पोर्टेंट बात, आपको फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर इन्वॉल्व करना है अपने आप को। साइकिलिंग कर लो, वॉकिंग कर लो, रनिंग कर लो, या स्कूल में भी आपका फिजिकल एक्टिविटी का पीरियड, और आप उतना अच्छा आगे पढ़ाई में भी परफॉर्म कर पाओगे क्योंकि आप फिजिकली फिट हो। तो जहाँ तक फिजिकली फिट रहोगे मेंटली भी आप बहुत फिट रहोगे, तो पढ़ाई और खेल दोनों में आपका बैलेंस भी बना रहेगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पर हम लोग बहुत ही कम ध्यान देते हैं वो है पानी। पानी आप लोग कितना पीते हैं? दो गिलास, चार गिलास, पाँच गिलास, मैक्सिमम छः से सात गिलास, है ना? पानी हमको दिन भर में कम से कम 10 से 12 ग्लास पीना है। और कोशिश करें कि आप पानी को हमेशा ग्लास से पिए, बैठ कर पिए। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो बच्चे फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और बहुत भाग दौड़ के आए हैं, थक के आए हैं, पसीने से लथपथ हो गए हैं, इमीडिएट आके ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए, क्योंकि उस वक्त सबकी नीड होती है कि अब बहुत गर्मी लग रही है, पसीना है, गला सूख रहा है, आप तुरंत कहीं से कुछ ठंडा मिल जाए। तो उस टाइम पे ठंडा पानी कभी नहीं पीना चाहिए, वो हमारे बॉडी के एंजाइम्स का टेम्परेचर सडनली डाउन करता है और हमारी बॉडी में उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो उसको ज़रूर ध्यान में रखिए। फिजिकल एक्टिविटी के बाद आप 10 मिनट थोड़ा सा बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर आप पानी पीजिए। और बहुत लग रहा है एक आध सिर्फ पानी पी लीजिए, सेम कंडीशन खाने के साथ भी है। खाने के साथ और तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, आप एक दो सिप पी सकते हैं बट उसके आधे से पौन घंटे बाद ही आप पानी पी। मोबाइल और ये जितने गैजेट्स आए हैं सबसे ज़्यादा असर उसका बच्चों पे पड़ा है। घर में बाकी काम तो ठीक है बट मोबाइल में हमको नेट यूज़ करना ज़रूरी हो गया है और उस वजह से रात का कितना बज रहा है हमको नहीं पता होता। अब यहाँ के बच्चे मुझे नहीं पता कितना मोबाइल यूज़ करते हैं, बाकी जो मैंने दूसरी स्कूल में देखा है तो धीरे से बोल ही देते हैं कि हाँ हम लोग ये करते हैं, हाँ हम लोग चैटिंग करते हैं, इंटरनेट भी यूज़ करते हैं। तो कोशिश तो आप लोग ये कीजिए कि आप लोग उसको यूज़ ना करें, जितना हो सके मोबाइल से दूरी बना के रखें, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा हमारे टाइम को कंज्यूम कर रहा है और उसका हमको पता भी नहीं चल रहा है। आपको लगता है चलो दो मिनट, पाँच मिनट, दस मिनट हम उसको देख लेते हैं, पर उसके बाद एक से दो घंटा कहाँ
जाता है हमको पता ही नहीं चलता है। वो चीज़ शायद आप लोगों के साथ भी होती है। कितने बच्चों के साथ होती है? हाथ खड़ा कर दो, ईमानदारी से खड़े करना। मुझे सिर्फ दो ही हाथ दिख रहे हैं, वो बच्चे बहुत ईमानदार हैं। देखो अब धीरे 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 ईमानदारी दिखने लगी मुझे सबकी, है ना। एक्चुअल ईमानदारी कुछ और है, यहाँ पे संख्या मुझे नहीं दिख रही है। वेरी गुड बेटा, आप लोगों ने एटलीस्ट सच बोलने की हिम्मत तो दिखाई। और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात करें कि बैलेंस डाइट का मतलब क्या है। अभी तो मैंने आपको आपके पॉइंट्स गिना दिए कि ये चीज़ें आपके इसमें होनी चाहिए आपकी दिनचर्या में। हम लोग कैसे निकालेंगे बैलेंस डाइट को, हम कैसे जानेंगे? मैंने तो बोल दिया बैलेंस डाइट लेना है, संतुलित आहार लेना है और आपकी दिनचर्या को नियमित रखना है। तो अब संतुलित आहार का मतलब क्या है? हमारे भोजन में क्या क्या चीज़ें ऐसी शामिल होनी चाहिए जिसको हम संतुलित आहार कह सकते हैं और जो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है? आप लोगों को पता है, पढ़ा है आप लोगों ने? हाँ या ना पढ़ा है? मतलब आप लोगों को सबको पता है संतुलित आहार? वेरी गुड। तो कोई एक बच्चा बता सकता है? कोई भी एक बच्चा बता दो, एक या दो। हाँ वेरी गुड, बता दो। वेरी गुड। और क्या चीज? वेरी गुड। बच्चों होम साइंस वाली लड़कियां कहाँ हैं? अंडा नहीं खाते हैं तो उनके लिए प्रोटीन की जो सोर्स हमें वो हम दाल या अंकुरित चीजों से भी फुलफिल कर सकते हैं, या फिर आप दूध जरूर लीजिए। दूध या फिर दूध से बनी हुई चीजें जैसे कि पनीर, छेना को अपनी डाइट में शामिल करें। अब उसमें सबसे पहला हम रेड कलर, तो रेड कलर का सॉस नहीं चुनना है हमको, है ना। ये तो घर जाके बोलोगे मैडम ने बोला रेड कलर को रोज खाना है, तो रेड कलर का सॉस नहीं लेना है। आर्टिफिशियल चीजें नहीं लेनी है, आर्टिफिशियल जो नेचुरली अवेलेबल सोर्सेस हैं हमको उनको प्रेफर करना है। लाइक रेड कलर में क्या क्या आएगा? टमाटर, अनार, बीट, ठीक है। उसके बाद ऑरेंज या फिर येलो कलर, वो विटामिन का भी काफी अच्छा सोर्स है, विटामिन ए बहुत अच्छा मिलता है उसमें, तो विटामिन ए की कमी हमारी उससे पूरी हो जाती है अगर हम वो लेते हैं तो। मैडम ने तो बोला था, तो हमारे पास सस्ती चीज़ें भी हैं, लोकल चीज़ें भी हैं जो हम सब आराम से ले सकते हैं। उसके अलावा ग्रीन कलर तो ढेर सारे सीजनल वेजिटेबल्स हैं। देन ब्लू या फिर पर्पल, जैसे बैंगन आता है उस कैटेगरी में, ब्लूबेरीज आती हैं, तो जो हमारे पास अवेलेबल है। देन एक व्हाइट कलर से जितनी भी चीज़ें हैं, दूध है, पनीर है, अंडा है, लहसुन भी वाइट है, हम लहसुन भी ले सकते हैं, मूली भी वाइट है, वेरी गुड। तो ये सल्फर कंटेनिंग चीज़ें हैं जो ये एंटीबॉडीज का काम करती हैं, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटीज होती हैं इसमें जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। तो अगर हमने इतने सारे कलर अपनी डाइट में पूरे दिन भर में अगर हमने एक एक चीज़ें भी ली हैं, दैट मीन्स आपको बैलेंस डाइट मिल रही है, आपको सारे विटामिन और मिनरल्स मिल रहे हैं, जिसके कारण डिफिशियंसी प्रॉब्लम्स की शिकायत नहीं रहेगी, जिसके कारण ये सप्ताह या ये माह मनाया जा रहा है। इस माह को मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों में अपने आहार के प्रति अवेयरनेस लाएं। और बेसिकली ये गवर्नमेंट ने इसीलिए शुरू किया था क्योंकि उन्होंने जब सर्वे किया यूनिसेफ, WHO, तो सर्वे में ये पाया गया कि गर्भावस्था, लैक्टेटिंग पीरियड और 1 से 5 साल के बच्चे, 0 to 5 years के जो बच्चे हैं, वो मोस्टली माल नरिशमेंट के शिकार हैं, यानी कि कुपोषण के शिकार पाए गए। और उन्हीं की स्थिति को दुरुस्त करने के लिए ये अवेयरनेस का वीक चलाया गया। उसके बाद अब ये चीज़ें सभी के लिए कॉमन हो गई है। आज की हमारी जनरेशन को अगर हम बोले कि क्या आप सच में संतुलित आहार लेते हो, तो हमारी जनरेशन नहीं लेती है। मतलब पहले ये कुपोषण या एनीमिया की प्रॉब्लम है वो सिर्फ लोअर क्लास में देखने को मिलती थी, पर अभी एनीमिया के मेरे पास अच्छे अच्छे घरों के बच्चे आ रहे हैं जो ओबेसिटी से ग्रसित हैं, मतलब मोटापे से ग्रसित हैं, बट उनमें एनीमिया भी है। इसका क्या मतलब हुआ? खाते तो भरपूर हैं, ज़्यादा खा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं कर रहे हैं, पर सही पोषण नहीं ले रहे हैं वो, उनमें पोषण की कमी है। अभी बच्चों में मुझे विटामिन डी और विटामिन बी डिफिशियंसी के बताने लिए बहुत ही गौर करने वाली चीज़ है, और शायद इसीलिए इसको पोषण माह के रूप में मनाना शुरू किया गया है। और हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम एडोलसेंट एज, मतलब किशोरावस्था के बच्चों को अभी से जागरूक करें तो वो अपने खान पान में सुधार लाएं, और साथ में उनके ऊपर जो आने वाली पीढ़ी डिपेंड करती है
वो कम से कम हेल्दी और तंदुरुस्त हो। तो अभी इतनी चीजों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, फाइबर, रेशेयुक्त पदार्थ। अगर आप सीजनल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अपने आहार में शामिल करते हैं तो आपको फाइबर सफिशियंट मिलता है और उसके कारण आप काफी सारे। धन्यवाद दुबे। आज की जो कार्यक्रम की हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती मैडम कविता और आज की प्रोग्राम ऑफिसर मैडम रेखा, हमारी वाइस प्रिंसिपल सर कौशल सर, हमारी स्टाफ, हमारे प्यारे बच्चे और हमारी ट्रेनीज, आज हमारे दिन वास्तव में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन हमारे स्कूल के लिए है और हम लोग बहुत भाग्यशाली भी हैं मैडम कविता को हमारे बीच में लाके, क्योंकि कुछ ही दिन पहले हमारे बहुत राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है जो फिटनेस इंडिया, और उसी से जुड़ा हुआ आज का ये कार्यक्रम भी है। जागरूकता के अनेक कार्यक्रम होता रहता है परंतु आज के दौर पे हमने मैडम से सारी बातें सुन चुके कि बैलेंस डाइट क्या होता है और एक फिट और हेल्दी लाइफ जीने के लिए वो बहुत ही अनिवार्य है, ये तो है, परंतु कितने लोग हमारे बीच में आज यहाँ जो बैठे हुए हैं इस बात का विशेष ध्यान देते हैं। आज मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ और ये आपको दिख रहा था, यहाँ मेरे आए कुछ ही दिन हुआ है और हमारे सामने शायद दो या तीन बच्चे हमारे सामने बेहोश हुए हैं, एम आई राइट? आज ही सुबह भी हुई है। तो ये बहुत ग्लैरिंग एग्जाम्पल है ये बताने के लिए कि हम अपने खुद के बॉडी के लिए कितने अवेयर हैं, ये सब छोटी छोटी बातें वास्तव में पिन पॉइंट करने लायक है। बच्चों, अपन जैसे मैडम ने अभी जो कहा है कि एक पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है, कि मुझे नहीं लगता है कि किसी सप्ताह की आवश्यकता होती है, किसी व्यक्ति को बताने की आवश्यकता होती है, यदि हम खुद में अंदर में इतने अवेयरनेस जागे। हमें ये चाहिए कि हमारे दिन की शुरुआत एक फिट मन से होना चाहिए, कि बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर में होती जो हम लोग दूसरों से सुनते हैं और ऐसा लगता है कि चलो लेट अस फॉलो द लीडर, एक नकल करें, वो ऐसा कर रहे तो हम करें, नो, होगा नहीं। जब तक अंदर से आपके एक तीव्र इच्छा नहीं होगी कि यू हैव टू लुक आफ्टर योर सेल्फ, ये कितना प्यारा बॉडी, गॉड गिफ्ट, गॉड गिफ्टेड है ये। कल हमारे साथ हमारी छोटी भाभी बात कर रही थी, वो बता रही थी उनका एक कजन का बेटा है जो आज उनका उम्र लगभग 47 इयर्स है और वो टोटली हैंडीकैप्ड है और वो मतलब फॉरेन कंट्री में रहते हैं और बता रहे कि उनकी परिवार मम्मी डैडी में सब कुछ है, एवरीथिंग है, सब कुछ है, पर ये जो बच्चा है जो आज तो लगभग 47 इयर्स, उनको पूरी तरह सिर्फ एक व्हील चेयर में इधर उधर करना पड़ता है। उनके पास पैसा बहुत है, बहुत ही अमीर परिवार है, नो डाउट, उनके लिए एक कमरे से दूसरे कमरे ले जाने के लिए लिफ्ट सिस्टम भी रखा गया है, बहुत कुछ रखा गया है, परंतु वो पूरी फैमिली के इतने होते हुए भी उनकी मन की शांति नहीं है, क्योंकि उनके घर पे एक ऐसा बच्चा है जिनके साथ उनको 24 घंटा 24/7 उनका देखभाल करना पड़ रहा है, उनकी पूरी ध्यान है। आज ये जो छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको दिया है, इससे हमको बचना है, इन सारी जो प्रॉब्लम से बचने के लिए हम सब यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं ये जानने के लिए कि द बेस्ट वेल्थ इज हेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। ये कोई कोटेशन नहीं है, ये सब लोग जानते हैं कि जितने भी अमीर लोग होंगे, अगर उनके पास हेल्थ नहीं होंगे तो उनकी जो रिचनेस, उनकी रिचेस, उनकी जो प्रॉपर्टी कोई काम करेगा, पूरे समय हम लोग इसी बात के लिए सोचते रहते हैं कि हम कब स्वस्थ होंगे, हमारा बच्चा कब स्वस्थ होगा, हमारे घर के सदस्य कब स्वस्थ होंगे। आज इस दौर में जैसे मैडम ने बहुत सही कहा, इतने हाईटेक वर्ल्ड, इतने हाई टेक्नोलॉजी के होते बावजूद हमारे पास एक सिर्फ गूगल क्लिक करके हमको ये सारी जानकारी भी मिल सकता है, हाउ टू कीप फिट। दूर मत जाओ, एक दूसरे से हमको जो प्रेरणा मिलती है, एक दूसरे से जब हम लोग अच्छी बातें सुनते हैं, चाहे वो स्कूल है,
कहीं भी हो, हमें उनसे भी सीखना चाहिए कि हमें फिट कैसा रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है, एक छोटी सी कोटेशन है हिंदी में, हल्का खाओ हल्के रहो, हल्का खाओ हल्के रहो। ये बहुत ज्यादा डेप्थ है इसमें, बट अभी के बच्चे हैं, अभी के बहुत सारे एडल्ट्स भी हैं जो सोचते हैं स्विगी को बुलाओ और स्विगी को एंजॉय करो, है या नहीं बताइए। आजकल जोमैटो है, स्विगी है, बहुत कुछ स्रोत है हमारे पास जिससे हमारे घर तक हमारे लिए भोजन। तो आपको अपने बॉडी में चेंजेस लाना है तो आपको सबसे अपने पहले चेंज कहाँ लाना है, आपके माइंड, आपके सोच, आपके विचार में। इन शब्दों के साथ मैं आज शाला में मैं श्रीमती मैडम गुप्ता को हमारे बीच में मैं को पाके बहुत खुश हुई और मैं यहाँ आपको मैडम स्वागत भी करती हूँ, आने के लिए धन्यवाद देती हूँ। और जरूर हमारे शाला परिवार की ओर से जरूर एक बात कहूँगी, जितने बार आप आना चाहेंगे बार बार आते रहिए, यहाँ पे ये प्रोग्राम मुझे ज़्यादा कराना है। थैंक यू मैडम। धन्यवाद मैडम।